वो क्या है, क्या हो गया तुम्हें? तो अल्लाह इतना वजन चढ़ा लिया, डर तुम ऐसे रहे हो जैसे ताया अब्बू नहीं हुए, कोई जल्लाद हो गए, कोई शेर हो गए। अरे बता रही हूँ ना, मैंने वॉक पे उनको बहुत मनाया है, तो मुझसे अभी बात करो, मौका बहुत अच्छा है। अरे तुम अब्बा को जानती नहीं हो, जब भी वो फ्रेश मूड में हो तो समझो उनके ऊपर फुल जला लावा। ऐसा ना हो कि मैं वहां पे जाऊं, मेरी चप्पल थेरेपी हो जाए। आराम से जाएंगे ना, अभी उनको आराम करने दो, नाश्ता कर ले, जूस वूस, फिर उनसे मिलेंगे। ओके बाय। अरे रुको ना, तुमने ना फिर मेरा जलाल नहीं देखा, बोलो दिखाओ। अगर मैं कहूँ नहीं तो? तो फिर मैं कहूंगी कि खाला का बेटा तो कह ही रहा है, उसको बोल देती हूँ कि आ जाए रिश्ता लेने। खबरदार जो उससे कुछ कहा, बल्कि उससे तुम जाके ये कहो कि हमारी और तुम्हारी बचपन से बात तय हुई हुई है। चलो ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम भी साथ चलो ना मॉरल सपोर्ट के लिए। तुम प्यार से उनसे बात करो, बोलो ताया अबू हम आपको तो अपने साथ ही रखेंगे, बस ये भाभी का कांटा निकाल। जाइए जी, अब्बा हुजूर ने बुलाया आपको। क्या अब्बा मैं बुला रहे? सब खैर तो है ना? कहीं हार्ट अटैक तो नहीं आ रहा? डॉक्टर ने कहा था अगर तीसरा हार्ट अटैक आया तो बचने की चांसेस नहीं है। मुझे नहीं मालूम हार्ट अटैक आया है या नहीं आया। वो जो आपकी चचाजात है ना, कजन, क्या नाम है उसका, खटमल? खटमल नहीं, इशमल। हाँ वही तो, वो रात अपनी खाला के घर थी, अब्बा ने बुलाया, फौरन से पहुंच गई, और यहाँ हम हैं, घर में होते हुए भी हमें नहीं पता। अरे वो शाहान से मोहब्बत इतनी करती है ना, उसका चेहरा देख के तो सुबह होती है उसकी, आ गई होगी चेहरा देखने उसका। शाहान का चेहरा भी देखने लायक है, खुद को संवारे रखता है, आपकी तरह नहीं है, साबुन भी सोच सोच कर घिसाए अपने मुंह पर। हाँ तो साबुन महंगा भी तो हो गया है ना। साबुन महंगा हो गया है मगर मुंह तो सस्ता ही है ना। चलें।